वेलकम टू द स्टाइलिश कोडर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है पाथ क्रॉसिंग लीड कोड की इजी लेवल की प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को जो गिवन होने वाला है वो पाथ करके एक स्ट्रिंग गिवन होगी, जिसके अंदर हमारे पास में डायरेक्शन होगी, मीन्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट गिवन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको लाइक इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमको स्टार्ट करना है 2.0 से एक 2D प्लेन के अंदर। ठीक है, और हमारे पास में जो ये पाथ करके वेरिएबल गिवन होगा हमको इसको फॉलो करना है। ठीक है, मींस अगर आपके पास में नॉर्थ है तो आप अप जाओगे, ठीक है, ईस्ट है तो आप इधर जाओगे, वेस्ट है तो आप इधर जाओगे, और साउथ है तो आप इधर जाओगे। ठीक है ना, साउथ और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ओके। ठीक है, इस टाइप के आपको फ्लो करना है जो भी आपके पास में गिवन होगा। तो आप स्टार्ट कर रहे हो कि 0.0 से अगर आपको नॉर्थ मिलता है तो आप एक पॉइंट ऊपर जाओगे, मींस कि जो आपका आई होगा तो ये क्या क्या हो जाएगा, -1.0 हो जाएगा। ठीक है, जो आपको रखना है। अगर आप नीचे जाओगे तो आपका आई 1+0 हो जाएगा। अगर आप इधर ईस्ट में जाओगे तो आपके पास में 0.1 करके होगा, और आप इधर जाओगे तो आपके पास में 0-1 होगा। ठीक है, तो इस टाइप का अपने को फ्लो करना है। और इन्होंने ये बोला है कि हमको इस क्वेश्चन में रिटर्न क्या करना है, हमको रिटर्न करना है ट्रू। ठीक है, अगर हमारे पास में लाइक हमने इस पाथ को ऐसे करके फ्लो किया, ठीक है, फिर हमारा पाथ जाके किसी भी सेम नोड पे, मतलब जो हम पहले से उस पॉइंट पे जा चुके थे, अगर अपन उसको क्रॉस करते तो मींस हमको ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, तो लाइक अगर हमारा पाथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, या ये यहाँ जाके मिला फिर ऐसे जा रहा, तो मींस हमने एक नोड पे भी अगर इसको कनेक्ट किया किसी पे भी, तो हमको रिटर्न ट्रू करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अगर हम नहीं करते, लाइक इस एग्जांपल को देखो, तो हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट और साउथ दे रखा है। ठीक है, हम नॉर्थ में अप गए, ईस्ट में हम ऐसे आए, साउथ में हम ऐसे आए। ठीक है, तो मींस हम किसी भी नोड पे सेकंड टाइम नहीं जा रहे, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है इसको। अब बात करते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज तो हमको क्लियर हो गई कि मींस हमको क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, हमको लाइक वो पॉइंट देखना है जिस पे हम सेकंड टाइम आए हों। ठीक है, हमको कौन से, जो सेकंड टाइम हम उस पे विजिट कर रहे हों। ठीक है, विजिट करना है हमको। ठीक है, तो मींस हमको लाइक क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास में विजिटेड पॉइंट्स हैं उनका अपने को कलेक्शन करना पड़ेगा। मींस हमारे पास में पता हो कि हमने इस पॉइंट को देख चुके हैं, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा। तो मींस हमको क्या करना पड़ेगा, हमको विजिटेड चाहिए, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, एक सेट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो गिवन इन्फॉर्मेशन होगी किस में अपन वर्क कर रहे होंगे, मींस हमारे पास में 0 और 0 करके होगा। ठीक है, तो मींस हमारे पास में यहाँ पे लाइक एक पेयर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर अपन यूज़ कर लेंगे, जिसके अंदर इंटीजर और इंटीजर करके हो। ठीक है, तो उससे हमारे पास में जो भी हमने पॉइंट्स को विजिट किया उसको अपन इसके अंदर स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि पाथ की, तो पाथ को अपन एक्सेस कर रहे होंगे, मींस हमारे पास में एन आएगा, तो लाइक हम अप जाएंगे तो मींस आई को हम -1 कर देंगे, जे को 0 रखेंगे। ठीक है, अगर ईस्ट आएगा तो मींस हम ऐसे जाएंगे, तो इसमें 0 हमारा आई होगा और प्लस का हमारा जे होगा। ठीक है, अगर हम किधर जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो हमारा आई होगा 1 और जे होगा 0, एंड किधर जाएंगे और वेस्ट में जाएंगे, तो उसमें होगा हमारा 0 और -1। ठीक है, तो इस टाइप से अपन डायरेक्शन करेंगे, जो नया पॉइंट आएगा उसको अपन सेट में डालेंगे और चेक कर लेंगे कि अगर हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं पहले तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, नहीं आ चुके तो आखिरी में अपन रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो सिंपल सी अप्रोच है, अगर आपको क्लियर हो गई हो, नहीं हुई हो तो अपन कोड से इसको पूरी कंप्लीटली समझ लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जैसा अपन ने डिस्कस करा कि हमको क्या चाहिएगा, एक सेट चाहिएगा। ठीक है, सेट पेयर बनाते हैं इसको, पेयर का पी कैपिटल होगा, और यहाँ पे अपना इसका जो टाइप होगा इंटीजर और इंटीजर। ठीक है, हो गया, अपन इसको नाम ही अपन देंगे, एक और आएगा यहाँ पे, ठीक है, सेट ही बोलते हैं, या आप चाहो तो विजिटेड बोल देते हैं, तो उससे थोड़ा इजी होगा समझने के लिए। न्यू हैश सेट, सेट का एस कैपिटल। ठीक है, ये हमारा हैश सेट बन गया। अब इनिशियली जो इसके अंदर वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, जहाँ से अपन शुरू करेंगे वो होगा हमारा विजिटेड न्यू पेयर और 0.0। ठीक है, जैसा इसने अपने को क्वेश्चन में बोला है वो चीज़ हमने स्टार्टिंग कहाँ से करना है अपने को, 0.0 से, तो हमने यहाँ से शुरू कर दिया। ठीक है, अपन लाइक यहाँ पे एक बना देते हैं int i 0, जे भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हो गया, अब अपन इसको करते हैं ओपन हमारे पाथ की डायरेक्शन को। ठीक है, कैरेक्टर c, और जो हमारे पास में पाथ है, path.to character
एरे, ठीक है। मेरे पास में अब क्या होगा, जो स्ट्रिंग थी पूरी पूरी उसका एक सिंगल कैरेक्टर आ रहा होगा, ठीक है, हो गया। चेक कर लेते हैं कि इफ अगर मेरे पास में c इक्वल टू n है, ठीक है, उस केस में क्या हो रहा था कि हम अप जा रहे थे, मीन्स हमारा i माइनस में हो रहा था, ठीक है, हो गया। एल्स इफ कि हम कह रहे हैं कि हमारा c क्या है, s है, ठीक है, साउथ में जा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, हमारा i प्लस प्लस होगा, ठीक है। एल्स इफ अगर मेरा जो c इक्वल टू क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक है, उस केस में मेरा क्या होगा, j प्लस प्लस होगा, ठीक है। और एल्स इफ c इक्वल टू वेस्ट होता है, तो उस केस में मेरा क्या होगा, j माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्शन वाइज हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में इन द लास्ट जो भी कैरेक्टर आएगा उसके हिसाब से हमारे पास में नए कोऑर्डिनेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक और पेयर बनाते हैं, ठीक है, इंटीजर कोमा इंटीजर का नाम अपन इसको पेयर देते हैं, पेयर की जगह अपन इसको बोलते हैं करेंट, अभी का जो हमारा नया, तो न्यू पेयर और आई एंड जे, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारा पेयर। अब इसको चेक कर लेते हैं कि इफ अगर जो हमारे पास में विजिटेड वाली है, अगर वो कंटेंस करती है किसको, हमारे करेंट को, ठीक है, तो उस केस में अपन यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे ट्रू को, ठीक है। और नहीं करता है, अगर नहीं होता मतलब, तो अपन क्या करेंगे, उसको अपन कहेंगे कि भाई तूने इस बार देख लिया, नेक्स्ट टाइम मिले तो तब रिटर्न कर देना, ठीक है। तो ऐड पेयर, ओके, कैप्स लॉक ऑन हो गया, सॉरी, यहाँ पे ऐड करेंट, ठीक है, हो गया। और इन द लास्ट अपन रिटर्न कर रहे होंगे फॉल्स, ठीक है, मीन्स हमारे पास में कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिला जहाँ से अपन रिटर्न कर पाए। तो करते हैं इसको रन, विजिटेड, ओके ओके, स्पेलिंग रॉन्ग लिखी शायद, विजिटेड, हाँ ओके, यहाँ पे विजिटेड डॉट एड आएगा, अगेन रन करा, ठीक है, दोनों केस चल गए। करते हैं इसको सबमिट, तो यहाँ पे हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। तो गाइज ये था हमारा आज का सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूँ आपको इस सॉल्यूशन ने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प की होगी। फिर मिलते हैं अपन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे बाय।